सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, बहुत ही खतरनाक दिया है ये। 14 4 ज़ा 50 2 ज़ा 20 56 59/4 माइनस 12 6 ज़ा 72 73/6 8 3 ज़ा 24 25/8 डिवाइडेड बाय 12 6 ज़ा 72 75/12 माइनस 3.5 मतलब 7/2। सो दिस इज 59/4 माइनस 73/6 इंटू 25/8 इंटू 12/75 माइनस 7/2। तो ये क्या बना मेरा, 25 3 ज़ा 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा। तो ये बना 59/4 माइनस 73/6 इंटू हाफ माइनस 7/2। तो ये बना 59/4 माइनस 73/12 माइनस 7/2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 59 इंटू 3 9 3 ज़ा 27 5 3 ज़ा 15 17 177/4 सॉरी 12। एलसीएम लिया ना, 4 और 12 का एलसीएम 12 है, माइनस 73/12 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 42। तो 177 माइनस 73 4 104 माइनस 42 4 माइनस 2 62। तो ये बना 62/12। ओके फाइन, देखते हैं 14 3/4 14 4 ज़ा 56 59/4 माइनस 12 6 ज़ा 72 इंटू 8 3 ज़ा 24 25/8 डिवाइडेड बाय 75 12/75 25 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा। ठीक है, तो 73/12। ओके तो 73/12 माइनस 7/2 तो ये बना 59/4 माइनस 73/12 माइनस 7/2 विच इज 177/12 माइनस 73 104 माइनस 42 62/12 और यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर 24 दिए हैं, तो ये होगा 124/24 फाइव 62 इंटू 2 ये बेसिकली है 31/6। तो yes. अरे और ये आंसर गिवन ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं हो रहा, तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिलो 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 3 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल कौन है, सबसे पहले 12 24 36 48 60 72 84 96 कितने नंबर है, 1 6 8। इफ राम वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर ही इज 15 मिनट लेट। इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर ही इज 15 मिनट्स अर्लियर। डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल इज स्पीड डिस्टेंस और टाइम। तो फर्स्ट केस में क्या है, इसका स्पीड कितना है 3 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस है सपोज डी, ठीक है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके डिस्टेंस अपॉन स्पीड है टाइम, इतने आवर्स लग रहे हैं उसको। सेकेंड केस में 4 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से चल रहा है वो, इसको दूसरा कलर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी चल रहा है वो 4 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, डिस्टेंस उतना ही है, तो टाइम कितना लग रहा है, डी बाय 4 आवर्स। ओके फाइन। तो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें जो टाइम लग रहा है
वो 15 मिनट कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ओके। और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 15 मिनट कम लग रहा है, ठीक है, रीचेस 15 मिनट्स अर्लियर देन द शेड्यूल टाइम। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स का है, डी बाय 3 माइनस डी बाय 4 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। एक पर्टिकुलर टाइम है सपोज पहुंचने का, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर्स पर आर से जा रहा है, 30 मिनट लेट पहुंच रहा है, 4 किलोमीटर्स पर आर के साथ जा रहा है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो वो टाइम से 15 मिनट और इधर 15 मिनट, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट, मतलब हाफ एन आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4D माइनस 3D अपॉन 12 इज हाफ, तो 4D माइनस 3D कितना हुआ, D अपॉन 12 हाफ है, तो D कितना हुआ 12/2 मतलब 6, तो कितना है डिस्टेंस इसका, D 6 किलोमीटर्स, ठीक है। A passenger train running at a speed of 60 kilometers per hour leaves a station 5 hours after a goods train leaves and overtakes it in 3 hours. What is speed of the goods train? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इस वाले सेक्शन में क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त है। Passenger train का स्पीड है 60 kilometers per hour. Speed of passenger train 60 kilometers per hour. ठीक है। स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन सपोज नहीं पता, ठीक है, तो इसको हम लेते हैं सपोज 1 किलोमीटर पर आवर, ए क्या है स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, ठीक है। तो सपोज ये 12 बजे निकला गुड्स ट्रेन, ठीक है, तो 12 बजे निकला तो 5 घंटे बाद, मतलब 5 बजे निकला मेरा पैसेंजर ट्रेन, तो 5 घंटे में गुड्स ट्रेन कहीं तो पहुंचा, और उसके 3 घंटे के बाद गुड्स ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन ने ओवरकम किया, ठीक है, ओवरटेक कर लिया, तो 8 बजे ओवरटेक किया, कितने बजे ओवरटेक किया, 8 बजे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 8 घंटे में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 8 घंटे में 8 a किलोमीटर्स, 8 into 1 किलोमीटर्स कवर किया क्योंकि 8 घंटे चला। अभी 5 बजे जो गुड्स ट्रेन निकली वो 3 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना 8 a किलोमीटर्स, बराबर, तो इसका टाइम था 3 आवर्स, उसके पास 3 ही घंटे थे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, क्योंकि ये मिले इतने डिस्टेंस पे डी पे, ठीक है। ये गुड्स ट्रेन निकला यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कहीं तो पहुँचा वो, सपोज यहाँ पे पहुँचा, जब मेरा पैसेंजर ट्रेन निकला तब गुड्स ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी थी, और पैसेंजर ट्रेन को इतना डिस्टेंस करके यहाँ पे इसको मिलना है गुड्स ट्रेन को, तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया पैसेंजर ट्रेन ने 3 घंटे में, लेकिन उतने टाइम में गुड्स ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुँची, इसलिए दोनों यहाँ पे मिले। तो पैसेंजर ट्रेन ने 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इनटू टाइम 60 into 3, ओके। तो ये जो 60 into 3 है ये क्या है, 8 into 1, जो गुड्स ट्रेन ने 8 घंटे में कवर किया वो डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन ने 3 घंटे में कवर किया, ठीक है। तो ए कितना है, 60 into 3 upon 8, 4 2 15 15 3 45 45 upon 2, तो 22.5 kilometers per hour आंसर है, ओके। तो इसके जो ऑप्शंस है ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, दिस शुड बी 22.5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम विल अमाउंट टू 2400 इन 4 years एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कोई तो एक प्रिंसिपल है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम,
ठीक है, टाइम है 4 इयर्स, ओके भाई। इंटरेस्ट कितना है नहीं पता, लेकिन अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज 2400, ओके। तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो सिंपल काम करते हैं, इनमें से ऑप्शन में से शुरू कर 2000 से शुरू करते हैं। अगर प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम 4 अपॉन 100, 0000, 5 2 10, 10 4 40, 400, 400 रुपये इंटरेस्ट मिला मेरे को, ठीक है, ये मेरा आंसर, खत्म खत्म कर दो, कुछ मत करो, ओके। अ वरांडा 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विद स्टोन्स ईच मेजरिंग 6 dm बाय 5 dm, द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड इज। तो ये मेरा वरांडा है जिसका डायमेंशन है 40 मीटर्स बाय 15 मीटर्स, इस पे लगाने मुझे छोटे वाले स्टोन्स जिसका डायमेंशन है 6 बाय 10 मीटर बाय 5 बाय 10 मीटर, क्यों, 1 dm इज 1/10 of a meter, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोन्स, तो ये है एरिया ऑफ स्टोन, ये है मेरा एरिया ऑफ वरांडा, तो एन इंटू एरिया ऑफ स्टोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ वरांडा, तो एन इंटू 6 बाय 10 इंटू 5 बाय 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 15। सो व्हाट इज एन इक्वल टू, 40 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 5, 5 3 जा 3 2 जा 2 20 जा, 2 के ऊपर 3 0 2000, इतने स्टोन्स लगेंगे। नेक्स्ट, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 8। टू डिजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 8, तो नंबर हो सकता है 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, बराबर, बस, या फिर 81 और 42, इतना ही पॉसिबल है, ठीक है। वेन 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स गेट रिवर्स्ड, तो 24 को मैंने 18 ऐड किया, 42 मेरा डिजिट्स रिवर्स हो गए, द नंबर इज 24। टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 इयर्स मोर देन टोटल एज ऑफ बी एंड सी, ए का एज ए, बी का एज बी, इनका टोटल एज ए प्लस बी, बी का एज बी, सी का एज सी, इनका टोटल एज बी प्लस सी। टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 इयर्स मोर देन टोटल एज ऑफ बी एंड सी, ठीक है, तो ये बी और बी कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू सी प्लस 12, ए सी से 12 साल बड़ा है, तो सी ए से 12 साल छोटा है, हाउ मेनी ईयर सी इज यंगर देन ए, व्हाट फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू हाफ प्लस 1/3 टू गेट 1/3, 1 1/3, हाफ प्लस 1/3 पे और कुछ फ्रैक्शन ऐड करो तो मिले 1 1/3, मतलब 3 प्लस 1 4/3, तो ये क्या हुआ 3 प्लस 2 5/3 प्लस एफ इज 4/3, 3 प्लस 2 5/6, तो एफ क्या होगा 4/3 माइनस 5/6 विच इज 8/6 माइनस 5/6 विच इज 3/6 विच इज हाफ। और ये ऑब्वियस था क्योंकि 1 1/3 है 1 प्लस 1/3 और 1 है हाफ प्लस हाफ प्लस 1/3, इनमें से हाफ और 1/3 ऑलरेडी है मेरे पास, तो मुझे सिर्फ हाफ ही ऐड करना है।
अ ट्रेन कवर 750 किलोमीटर इन 50 आवर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 750 किलोमीटर, कितने टाइम में 15 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना कवर करेगा नहीं पता, क्वेश्चन मार्क इज 750 इंटू 2 अपॉन 15, 15 फाइव 75 50, 100 किलोमीटर्स कवर करेगा, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट, टू सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स ईच आर जॉइंड एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो क्या फर्क पड़ेगा, जो क्यूब का वॉल्यूम है वो ऐड हो जाएगा, ये दो क्यूब्स अगर मैं साइड बाय साइड लगाता हूँ तो इसका वॉल्यूम कितना है 5 क्यूब, मतलब 5 5 25 5 125, इसके बाजू में मैं और एक क्यूब लगाता हूँ जिसका साइड है 5, ओके तो इसका वॉल्यूम कितना है 5 क्यूब मतलब 125, तो अगर वैसे भी कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना है, देखो ये 125 प्लस 1250 आंसर आना चाहिए, तो इसका साइड कितना हुआ 10, हाइट हुआ 5 और विड्थ हुआ 5, 5 5 25 into 10 250 सेंटीमीटर्स क्यूब, दैट इज द आंसर 135% इंटू 1/100 1.35। अ बॉय रेड 3/8 ऑफ अ बुक ऑन वन डे, एक दिन में कितना पढ़ा 3/8 ऑफ द बुक, 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द अदर डे, अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अदर डे, तो 3/8 पढ़ा तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना है एक दिन के बाद, 8 में से 3 भाग पढ़ा, 5 भाग बाकी है, 5/8 बचा है, ओके दूसरे दिन कितना पढ़ा 4/5 ऑफ रिमेनिंग, मतलब 4/5 इंटू 5/8, 5/5 कटा 4/8 मतलब हाफ, ठीक है। इफ देर वर 45 पेजेस अनरेड, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक कंटेन, ठीक है, तो उसने 4/5 ऑफ 5/8, देखो अ बॉय रेड 3/8 ऑफ अ बुक ऑन वन डे, ओके तो बचा कितना 5/8 ऑफ द बुक, ओके एंड 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अदर डे, 4/5 ऑफ द रिमाइंडर मतलब 4/8 मतलब हाफ, ओके तो सपोज हम लोग पकड़ते हैं बुक में, तो अभी क्या बोल रहा है, देखो पहले दिन कितना पढ़ा उसने 3/8, ओके बचा कितना 5/8, फाइन, लेकिन दूसरे दिन कितना पढ़ा उसने 4/5 ऑफ रिमेनिंग, 4/5 ऑफ रिमेनिंग तो आधा पढ़ा, तो अभी बुक पहले दिन कितना पढ़ा 3/8, दूसरे दिन पढ़ा आधा, मतलब कितना हुआ 3/8 प्लस 4/8 मतलब 7/8 पढ़ा, तो बचा कितना बुक 1/8 बचा, ठीक है 1/8 ऑफ टोटल बचा, लेकिन वो कितना है 45 पेजेस अनरेड, 1/8 ऑफ टोटल बचा 45, तो 1/8 इंटू टोटल कितना हुआ 45, तो टोटल कितना हुआ 45 इंटू 8 मतलब 45 इंटू 2 इंटू 4 90 इंटू 4 360। An article is sold for rupees 500 and hence a loss is incurred. एक है CP, एक है SP और ये है loss. CP है कुछ तो N, SP है जब 500 तो उसको loss मिला. Had the article been sold for 700, the shopkeeper would have gained 2 times the former loss. इसका loss कितना है? N minus 500. क्यों? SP का फॉर्मूला कहता है लॉस के लिए SP इक्वल टू CP माइनस लॉस, ओके ये होता है SP का फॉर्मूला लॉस के लिए, ठीक है ना, तो इसका लॉस है N माइनस 500 क्योंकि CP बड़ा होता है लॉस के केस में। अगर उसका सेलिंग प्राइस 700 होता
सीपी तो आई नहीं होता, तो उसका प्रॉफिट होता। प्रॉफिट कितना होता? 700 माइनस एम, लेकिन वो कितना है? ट्वाइस द फॉर्मर लॉस, मतलब 2 इंटू एन माइनस 500। अभी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, 700 माइनस एन इज 2 इंटू एन माइनस 500। अभी ये तो फिक्स है कि सीपी 500 से बड़ा है, बराबर है। तो हम लोग सीपी सपोज लेते हैं 600, तो उसका लॉस कितना होगा? 100। लेकिन जब उसका एसपी 700 है तो प्रॉफिट भी 100 है, तो ये गलत हो गया। तो इससे थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, सपोज 550। अगर सीपी लिया 550, तो पहले केस में कितना बेचा उसने? 500 में, तो उसका लॉस कितना हुआ? 500। दूसरे केस में कितने बेचा उसने? 700 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 150। बट 150 इज नॉट ट्वाइस ऑफ 50। तो अभी इसको इक्वेशन को सॉल्व करते, तो इसलिए ये भी चला गया। देखो इक्वेशन, देखो 700 माइनस एन इज 2n माइनस 1000। तो n को इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो 700 प्लस 1000 इज 2n प्लस n विच इज 3n। ओके, तो 3n इज इक्वल टू 1700, सो n इज 1700 अपॉन 3। 3 फाइव जा 15, 17 अपॉन 3 कितना है? 3 फाइव जा 15, 20। 3 सिक्स जा 18, 20। 3 सिक्स जा 18, 566। तो ये आएगा 567 अप्रॉक्स, तो उसका सीपी है 567। ये है आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, वेन माइनस वन इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स 99 टाइम्स, द प्रोडक्ट इज माइनस वन। माइनस वन को खुद से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस वन। इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस वन। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 4 टाइम्स इज ब्रेथ। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका ब्रेथ है भी, लेंथ है 4b। A square swimming pool of side 8 cm occupies 1/8 part of the plot. इस प्लॉट का एरिया कितना है? प्लॉट का एरिया कितना है? 4b into b। स्विमिंग पूल का एरिया कितना है? स्विमिंग पूल का एरिया कितना है? साइड 8 मीटर है तो 64 मीटर स्क्वायर है उसका एरिया, क्योंकि वो स्क्वायर है दिया हुआ है, स्विमिंग पूल मेरा स्क्वायर। लेकिन ये कितना ऑक्यूपाई करता है? 1/8 ऑफ 4 इंटू बी इज 64, तो 4 टू सा, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इज 64, तो बी स्क्वायर है 64 इंटू 2, तो बी स्क्वायर होना चाहिए 64 इंटू 2, 64 है 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। बी स्क्वायर होना चाहिए 64 इंटू 2, मतलब 128, ओके फाइन। बी स्क्वायर होना चाहिए 128, ओके लेकिन लेंथ चाहिए उसको, लेंथ ऑफ द प्लॉट चाहिए उसको कितना है? ओके अभी इसमें ट्रिक है, अभी बी है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 128, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 2, 64 है 8 का स्क्वायर, 8 रूट 2, ये है ब्रेथ। लेकिन लेंथ कितना है? 4b, 8 फोर 32, 32 रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 0.0203 इंटू 2.92 डिवाइडेड बाय 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7। तो ये चार बार अगर शिफ्ट किया तो ये भी चार बार शिफ्ट होगा, तो ये बना 203 अपॉन 73 इंटू, ये दो बार शिफ्ट किया 292
तो ये भी दो बार शिफ्ट होगा 1450। और इसको अगर 1 देता हूँ, इसको एक बार शिफ्ट करता हूँ राइट में, तो इसको एक बार 10/7, ये 0-0 कट गया। अभी इसका वैल्यू निकालना है मुझे, दैट्स इट। दिस इज 73 × 4 है 292। ओके, 73 × 4 है 292। 7 × 2 = 14, 7 × 9 = 63। 29 × 5 है 145। तो ये आंसर बना 4/5, विच इज 4 × 2 / 5 × 2, विच इज 8/10, 0.8। द एवरेज वेट ऑफ 10 ओर्समैन इन अ बोट इज इंक्रीज बाय 1.8 kg व्हेन वन न्यू क्रू ऑफ वेट 53 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन। Average weight of 10 oarsmen in a boat is increased by 1.8 kg when one of the crew who weighs 53 kg is replaced by a new man. So total weight of 10 oarsmen, ठीक है, अगर है A, तो इनका average weight कितना होगा? Average weight of 10 oarsmen is A/10। तो ये जो A है total weight, इसमें से 53 kg वाला निकाला, मतलब A माइनस 53 किया और एक दूसरे बंदे को रिप्लेस किया, B रख दिया, ठीक है। तो लोग तो उतने ही रहे, 10 ही रहे, तो एवरेज वेट कितना हुआ? पुराना वेट प्लस 1.8, मतलब 18/10। जो टोटल वेट था उसमें से एक बंदे को हटा दिया, दूसरे बंदे को रखा, तो एवरेज इंक्रीज हुआ। पुराना एवरेज जो था उससे 1.8 से इंक्रीज हुआ। तो पूछा क्या है? फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन। अभी इसको देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ए बाय 10 माइनस 53/10 प्लस B/10 इज इक्वल टू A/10 प्लस 18/10। तो ये A/10 चला गया। माइनस 53/10 प्लस B/10 इज इक्वल टू 18/10। तो B/10 कितना है? 53/10 प्लस 18/10। 53 प्लस 18 कितना हुआ? 71/10। तो B कितना हुआ? 71 kg। वेट ऑफ द न्यू मैन इज 71 kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A सैलरी इज 40% ऑफ B सैलरी। ओके, A सैलरी इज 40% ऑफ B सैलरी, विच इज 25% ऑफ C सैलरी। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ C सैलरी इज A सैलरी? तो C का जो सैलरी है उसको लेते हैं ₹100। तो बी का सैलरी कितना है? 25% ऑफ सी सैलरी, 25% ऑफ 100, मतलब ₹25। ओके, ए का सैलरी कितना है? 40% ऑफ बी सैलरी, विच इज 40/100 × 25, 25 × 4 = 4, 10 = ₹10। वॉट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी? 10%। क्यों? 10 out of 100, सी का 10 है, सी का 100 है तो ए का 10 है। If 24 men could complete a work in 30 days, and how many days 4 men will complete the same work? Man days का question ही है। Man days. 24 men can complete a piece of work in 30 days. तो कितने काम है? 24 × 30 man days का काम है। In how many days 4 men will complete the same work? 4 men को कितने दिन लगेंगे? D. 4 × D. ये काम दोनों same है। 4 × D is 24 × 30. तो D क्या है? 24 × 30/4, 4 = 6 = 180. द एवरेज ऑफ 1/3, 1/4, 1/6, 1/8।
तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इनका सम लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, 1/3 प्लस 1/6, 2/6 प्लस 1/6, 1/4 प्लस 1/8, 2/8 प्लस 1/8, ये कितना बना 3/6, ये कितना बना 3/8, 6 और 8 का एलसीएम 24, 6 4 जा 3 4 जा 8 3 जा 3 3 जा ओके 21 अपॉन 24 ओके इनका सम निकाला 21 अपॉन 24 3 7 जा 3 8 जा 7/8 एवरेज कितना होगा 7/8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 7/8 इंटू 1/4 मतलब 7/32 51% ऑफ 11805 प्लस 32 3/4 ऑफ 12018 इज बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ठीक है तो 51 इंटू 1/100 इंटू 11805 कैलकुलेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है 32 3/4 32 इंटू 4 4 2 8 4 3 12 प्लस 3 131 प्लस 131 अपॉन 4 इंटू 12018 4 3 0 0 4 0 0 4 4 16.5 3 0 0 4.5 ओके और ये है 11805 इंटू 51 5 1 5 0 8 1 1 क्रॉस 5 5 25 2 8 5 40 5 1 5 9 5 1 5 5 5 10 2 9 plus 1 10 6 okay, 51% 11805 into 51 फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन एक बार 11805 into 51 5 1 1 0 8 1 1 cross 5 5 25 8 5 40 5 1 5 9 5 1 5 तो 5 5 8 plus 2 10 2 9 plus 1 10 6 0 2 0 1 5 अपॉन 100 तो ये बनेगा 6 0 2 0.55 और ये 3004.5 12018 डिवाइड बाय 4 4 3 12 0 0 1 0 18 4 16 20.5 3004.5 इंटू 131 तो ये है 30045 इंटू 131 5 1 5 4 0 0 3 क्रॉस 5 3 15 4 3 12 13 3 0 0 1 3 0 0 3 3 9 क्रॉस क्रॉस 5 4 0 0 3 5 5 plus 4 9 5 plus 3 8 4 plus 1 5 3 9 3 9 3 3 9 3 5 8 9 point 5 plus 6 0 2 0 6 0 2 0 point 5 5 तो ये 5 5 plus 1 10 9 plus 1 10 8 plus 3 11 5 plus 1 6 3 plus 6 9 9 6 1 0 39 ए ऑप्शन ओके तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे इसमें ओके अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
1/3 - 1/6, 2/6 - 1/6, 1/6, क्योंकि ये 1/3 है. 1.5, 3/2, 3/2 - 1/6, मतलब 9/6 - 1/6, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो ये बना 9 - 1, 8/6, विच इज 4/3. तो ये ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, इसका वैल्यू बना 4/3. तो हाफ इंटू फोर बाई थ्री, 2/3. तो यहाँ तक बना 2/3. 1 - 1/4, 4 + 1, 5/4, 5/4 - 2/3, 15 - 8, 7/12. ठीक है, 3 1/4, इसका वैल्यू क्या बना, 7/12. 3 1/4, 4 3 = 12 + 1, 13/4, 13/4 - 7/12. तो ये क्या बना, 13 3 = 39/12 - 7/12, 39 - 7, 32/12, मतलब 4 8 = 4 3 = 8/3. 8.5, 8 2 = 16, 8 2 = 16 + 1, 17/2, 17/2 - 8/3, 17 3 = 51, 51 - 16/6, 51 - 11, 40, 40 - 5, 35, 35/6, 5, 5/6, ये आंसर बना. A number when divided by 119 gives 19 as remainder. If the same number is divided by 17, what will be the remainder? एक number को 119 से divide किया, तो उसने 19 remainder दिया. Okay. तो वो number क्या है? That number is 119 into something plus 19. बराबर? Okay. तो सपोज हम इसको ए लेते हैं, 111 लेते हैं, तो 119 + 119 = 138. तो 138 को जब 119 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 19. तो 119 को जब हम, द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, जब 138 को 17 से डिवाइड करेंगे हम, तो 17 इंटू 7 है, 7 7 = 49, 119. ओके, फाइन. तो 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 119 वाला तो जाएगा ही, लेकिन ऊपर का जो 19 रिमाइंडर है इसमें भी एक 17 जाएगा. ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आएगा. ओके, इसका आंसर है 2. बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे एट 14:30 आवर्स, ट्रैवलिंग एट 60 km/h. बॉम्बे एक्सप्रेस कितने बजे निकली? बॉम्बे एक्सप्रेस 14:30 को निकली और बॉम्बे एक्सप्रेस का स्पीड कितना है, 60 km/h. एंड राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे ऑन द सेम डे एट 16:30. राजधानी एक्सप्रेस कितने बजे निकली? 16:30. ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h. ओके, हाउ फार अवे फ्रॉम दिल्ली वी द टू ट्रेन्स मीट. सपोज ये 2:30 को निकले, अभी ये डायग्राम देखो, बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा इसका, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये. ऐसा है कि बॉम्बे एक्सप्रेस निकली 2:30 को, इसका स्पीड है 60 km/h. राजधानी एक्सप्रेस निकली 16:30 को, इसका स्पीड है 80 km/h. मतलब राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे लेट निकली और उसका स्पीड भी ज्यादा है. तो सपोज ये लोग मिलते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, 16:30 को निकली 80 km/h के हिसाब से. सपोज ये लोग मिलते हैं एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम दिल्ली, से एट पॉइंट पी.
तो ये पॉइंट पी पहुंचने के लिए, ठीक है, राजा रेश्वर के पास जो जो डिस्टेंस बॉम्बे एक्सप्रेस इतना डी डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लेगी वो कितना है, उसका स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वो जो टाइम लेगी वो टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने घंटे लेगी, बराबर। लेकिन इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस के पास 2 घंटे कम है, तो राजधानी एक्सप्रेस T-2 टाइम में डी डिस्टेंस कवर करेगी, ओके, उसके पास 2 घंटे कम है, T-2 आवर्स में टाइम में डी डिस्टेंस कवर करेगी। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो, डी टाइम है उसके पास T-2, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या उसका 80 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है डी अपॉन टाइम कितना है T-2, तो डी कितना है 80 इंटू T-2 विच इज 80 इंटू T-160। लेकिन टी क्या है मेरा, D/60, टी क्या है मेरा D/60, -160 इज डी, टी है मेरा D/60, ये निकाला है मैंने यहाँ पे, ये 0-0 कट गया, 2 4s are -160, ठीक है। तो डी को यहाँ लेके जाते हैं 4D/3 माइनस डी, और 160 को लेफ्ट में रहते हैं इज 160, 4D-3D अपॉन 3, तो D/3, तो D कितना है 480 किलोमीटर्स है, क्या ऑप्शन 480 किलोमीटर्स का है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यह है कि जो डिस्टेंस कवर करेगा बॉम्बे एक्सप्रेस उतने टाइम में जब मिल रहे हैं, उसे 2 घंटे कम टाइम मिल रहा है राजधानी एक्सप्रेस को वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस कंपेयर करना है और टाइम भी कंपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ कितना है ब्रेथ का ट्वाइस, पेरीमीटर कितना हुआ इसका 2 × length + breadth, 2 × 3b 6b, और वो दिया कितना है 60, तो b कितना है 10 60 अपॉन 6, तो लेंथ कितना है 20, ब्रेथ है 10, एरिया कितना है 20 × 10 200। हाउ मेनी ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक, इट बीइंग गिवन दैट ईच ब्रिक मेजर्स 25 × 11.25 × 6। तो ये वॉल बनाना है मेरे को ऐसे, इस वॉल के लिए लग रहे मेरे को ब्रिक्स सपोज ऐसे, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 22.5/100, थिक थिकनेस लिया हमने वॉल का, लेकिन डायमेंशन है 8, 6 और 22.5, लेकिन 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब, बराबर। या फिर पूरा सेंटीमीटर में ही करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने, 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वन, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 25 × 11.25 × 6 cm³। तो ऐसे मेरे को लगेंगे n ब्रिक्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स, रिक्वायर्ड। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल,
तो एन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, 800 इंटू 600 इंटू 22.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है, 25 इंटू 11.25 इंटू 6। अभी इसमें सिर्फ ट्रिक कितना है जिससे प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगा, 25 4 100 कि 11.5 2 22.5। देखो 11.25 और 11.25 को ऐड करो, 5 + 5 10 2 + 2 4 5 11 22.5। ओके तो ये बनेगा आपका, देखो 4 2 8 8 8 64 6400 ब्रिक्स लगेंगे उसको। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D if the ratio 5 is to 2 is to 4 is to 3. If C gets rupees 1000 more than D, what is B's share? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कितने भाग किए? 7 + 7 = 14 parts. ठीक है। तो C को कितने पार्ट मिले? ये है A, B, C, D. देखो ये A, B, C और D. A को कितने पार्ट मिले? 5. B को 2. सी को 4, डी को 3। इफ सी गेट्स रुपीज 1000 मोर देन डी, सी और डी के शेयर में डिफरेंस कितने का है? एक पार्ट का। तो एक पार्ट कितना है? 1000 का। क्यों ज्यादा उसको 1000 मिल रहा है, इसलिए एक पार्ट ज्यादा है। तो हर एक पार्ट 1000 का है, तो बी का शेयर कितना है? 2000 रुपये। क्यों उसको दो पार्ट मिल रहे हैं? A and B together can do a work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. If A and B and C work together, will complete the work in how many days? A and B. Time to do the work together and work done इन वन डे। ए और बी को कितना टाइम लग रहा है? 12 दिन। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे वो? 1/12। बी और सी को कितना टाइम लग रहा है? 15 दिन। तो एक दिन में कितना करेंगे वो? 1/15। सी और ए को कितना लग रहा? 20 डेज। तो एक दिन में कितना करेंगे वो? 1/20। अगर ये सब लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं, ए सपोज ये दिया पी, ये क्यू और ये आर। देखो इसका लॉजिक देखो, पी क्यू आर, पी मतलब ए और बी, क्यू मतलब बी एंड सी, आर मतलब सी एंड ए। तो सब लोग साथ में काम करना शुरू करते हो, कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये? एक दिन में कितना करेंगे काम? 1/12 + 1/15 + 1/20। तो ये कितना हुआ देखो, 12, 15, 20 का LCM आएगा 120। तो ये होगा 10/120 + 8/120 + 6/120। 8 + 6 = 14 + 10 = 24। 24/120 = 1/5। ठीक है, फाइन। तो ये तब है जब यहाँ पे दो A है, दो बी है और दो सी है। ओके, जब ये पी क्यू और आर एक साथ काम कर रहे हैं, पी मतलब ए एंड बी, क्यू मतलब बी एंड सी और आर मतलब सी एंड ए, जब ये लोग साथ में काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में 1/5 मतलब 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये लोग एक एक ही है, ये दो नहीं है, तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे ये? डबल द टाइम, 10 डेज। इसका आंसर आएगा 10 डेज। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have faced rupees 360 more. Find the sum. ठीक है, तो अभी अपने को उल्टा काम करना है। ठीक है, हम लोग लेते हैं 6000 से शुरू करते हैं। देखो अगर प्रिंसिपल होता मेरा 6000, ठीक है, अगर प्रिंसिपल होता मेरा 2% है, इट वुड हैव फेस्ड रुपीज 360 मोर। प्रिंसिपल अगर मेरा है पी,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, टाइम है 3 ईयर्स, तो इंटरेस्ट कितना है पी आर इंटू 3/100। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता आर प्लस टू, प्रिंसिपल होता पी और टाइम 3, तो इंटरेस्ट होता पी आर प्लस टू इंटू 3/100। तो ये क्या बना, पी आर, देखो ये ऐसे बना, p इंटू 3/100 इंटू आर प्लस टू, तो ये बना p इंटू 3/R/100 प्लस p इंटू 3/2/100। तो ये जो है दिस इज द इंटरेस्ट। तो हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, इट वुड हैव फेस्ट रुपीज 360 मोर, कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता 360, तो ये एक्स्ट्रा पैसे मिलते उसको, कितना 6P/100 इज 360, तो 6 × 60 पी इज 6000, 6000 रुपये है प्रिंसिपल। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त। द एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 20 ईयर्स, सो टोटल एज of 50 students divided by 50 is 20. So what is total age of 50 students? What is total age of 50 students? It is 50 × 20, which is 1000 years. When 20 new students are admitted, average increased by 4 years. Total age of 70 students upon 70 is equal to 24. पहले एवरेज था 20, अभी बन गया 24, बढ़ गया, इंक्रीज बाय 4. सो वॉट इज टोटल एज ऑफ 70 स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 24 × 70. 24 × 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 1 × 4 = 80. सो वॉट इज, अभी पहले 50 बच्चे थे उनका एज था 1000, वो बन गए 70, उनका एज हो गया 1 × 4 = 80. तो नए बच्चे जो आए, टोटल एज ऑफ 20 न्यू स्टूडेंट्स कितना है, 1 × 4 = 80 माइनस 1000 विच इज 480. So what is average age of 20 new students? It is unka total age 480 divided by 20, which is 24. Okay. When 20 new students admit, the average is increased by 4 years. Find the average age of the new students. Abhi ye kaise aaya? 50 बच्चे थे तो एवरेज एज 20 था, तो उनका बना 50 × 2000. 20 न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हो गए तो एवरेज इंक्रीज बाय 4, तो नया एवरेज बना 24 × 70, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 1680. इट इज़ नॉट 1480, इट इज 1680. तो 1680 माइनस 1000, इट इज 680. 680/20 = 34. तो ये है आंसर, ठीक है. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5, द डिफरेंस इज 216, ठीक है, विच इज अ लार्जर नंबर. अगर दो नंबर है, एक को लेता हूँ 2k, एक को 5k, तो उनका डिफरेंस है 5k माइनस 2k विच इज 3k, बट दैट इज 216. तो k कितना है 72, 216/3, 3 × 7 = 21, 3 × 2 है, तो k 72 है. लार्जर नंबर कितना है 5k, 72 × 5, 5 × 2 = 10, 7 × 5 = 35, 360. दिस इज द आंसर. Amit can do a piece of work in 10 days, Vikas in 15 days, then both will do the work together in how many days? Amit का कितना है 10 डेज, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/10. विकास का 15 दिन, एक दिन में कितना काम करेगा 1/15.
जब अमित एंड विकास एक साथ काम करेंगे तो 1/10 प्लस 1/15 मतलब 3/30 प्लस 2/30 विच इज 5/30 विच इज 1/6, तो कितने में काम कंप्लीट करेंगे वो 6 दिन में। ऑन सेलिंग 30 ऑरेंजेस अ मैन हैज अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज है ₹1, ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस क्या है? 36 ₹1, लेकिन उसका लॉस कितना है? उसका लॉस है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, मतलब 4 ₹1 का उसका लॉस है। तो एसपी कितना है? 36 ए। लॉस कितना है? 4 ए। सीपी कितना होगा? 40 ए। क्यों? SP is equal to CP minus loss. तो मुझे क्या चाहिए? Loss percent. Loss percent के लिए loss और CP को compare करो. Loss है 4A जब CP है 40A. Loss कितना जब CP 100? तो question mark will be 4A into 100 upon 40A. तो A cut 4 1s are 4 10s are 10 10s are answer is 10. कितना है लॉस परसेंट उसका? 10%। ओके, नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग वाज 3/11 द टोटल एंड नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 3/11 द रिमाइंडर। इफ द स्कोर्स डिफर बाय 9 द टोटल स्कोर्स इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ओके, द हाईएस्ट स्कोर इन अ इनिंग वाज 3/11 ऑफ द टोटल। जो टोटल है उसका 3/11 है हाईएस्ट स्कोर। सपोज टोटल लिया मैंने n, एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 3/11 ऑफ द रिमाइंडर। अभी 3/11 ऑफ n चला गया तो कितना बचा? 8/11 ऑफ n बचा, ये रिमाइंडर है। नेक्स्ट हाईएस्ट वॉज 3/11 ऑफ द रिमाइंडर, 3/11 ऑफ 8/11 ऑफ एन, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है 9, मतलब 3/11 ऑफ एन माइनस 3/11 ऑफ 8/11 ऑफ एन, इसका डिफरेंस है 9, ठीक है। टोटल स्कोर कितना है? एन चाहिए उसको। अभी देखो, ये है 3/11 इंटू एन माइनस 3/11 इंटू 8/11 इंटू एन विच इज 9। तो इसमें से 3/11 इंटू एन निकाल लेता हूँ मैं, 3/11 इंटू एन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 8/11 इज इक्वल टू 9। तो 3/11 इंटू एन, 11 माइनस 8, 3/11 इज इक्वल टू 9। तो ये 3 3s are 9, इसके साथ गया तो n इक्वल टू 121। दिस इज द आंसर। द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज यूज्ड बाय 6, 8 and 15 इज। तो पहले मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ, 6, 8, 15 का एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम है 24, बराबर। 24 और 15 का एलसीएम है शायद 240, लेट्स सी। 24 और 15 का एलसीएम 2 12 2 6 2 3 3 1 5 5 2 10 2 2 4 3 12। 24 और 15 का एलसीएम है 120। द लीस्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 15 इज, मतलब 120 से डिवाइड होने वाला। 2500 तो 120 से डिवाइड नहीं होता,
3600 होता है, तो 3600 किसका स्क्वायर है, 60 into 60। ओके नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज, ये है आपका 0.289 into 1/0.00121 का स्क्वायर रूट। तो ये बना 289/1000, तीन डिजिट है इसलिए डेसिमल के बाद, अपॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन 121। तो ये 1 2 3 इसके 1 2 3 के साथ कट जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। ये है 17 into 17, ये है 11 into 11, ये है 10 into 10। तो ये जोड़ी है, जोड़ी में से एक एक नंबर बाहर निकालो स्क्वायर रूट के लिए। 17 into 10 into 10/11 विच इज़ 170/11। ये है मेरा आंसर 38। 3/4 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 174, देन व्हाट इज द नंबर। 3/4 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 174। तो 3/4 इंटू 2/5 इंटू एन इज 174। तो एन क्या होगा, 174 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, 2 टू ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 8 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 5 18। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 105 एंड 1001 इज, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके तो इनका एच सी एफ चाहिए मेरे को बेसिकली। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, तो 3 या 7 बचा, 3 से है नहीं, 7 से होने चाहिए। सिर्फ 105 पता है, 7 into 15 1001 का चेक करना है। 7 1 7 30, 7 4 28 21, 7 3 21 खत्म। 7 इज द आंसर। रूट ऑफ 532824, ठीक है, 53824 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ओके तो 250 का स्क्वायर क्या होगा, 250 का स्क्वायर क्या होगा, 25 into 25 625 00। तो 252 का स्क्वायर 625 00 से बड़ा होगा, तो ये आंसर होगा ही नहीं। तो अपने को आंसर छोटा चाहिए। 200 का स्क्वायर क्या होगा, 200 का स्क्वायर 200 into 200, 2 2 4, 1 2 3 4, 40,000। तो ये कहीं भी आसपास आ नहीं रहा, ठीक है फाइन। तो एक तो 232 होगा या 242 होगा, ये दोनों तो चले गए, तो इनमें से एक को चेक करते हैं, जो नहीं आया अगर आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा वाला आंसर होगा। तो हम लोग निकालते हैं 232 into 232, 2 2 4 3 2 6 2 2 4 cross 3 2 6 3 3 9 3 2 6 cross 2 2 4 2 3 6 2 2 4 4 6 plus 6 12 10 plus 8 18 6 plus 6 12 13 5 3 8 2 4, 232 का square। The average of 11 numbers is 12. If that is the first 6 numbers is 11, that is the last 6 numbers is 11.5, then the middle number is 11 नंबर से मेरे पास A B C D E F कितने हुए, 3 3 6 7, G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9, J K, इनका एवरेज डिवाइड बाय 11 है 12। तो इनका सम कितना है, ये ब्रैकेट में इनका सम है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, 12 into 11 मतलब 132। एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर्स इज 11, पहले छह नंबर क्या है, ए बी सी डी एफ। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइड बाय 6 कितना है, 11। तो व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना है, 66। तो ये है मेरा 66 इसका सम। लास्ट सिक्स नंबर इज 11.5, 1 2 3 4 5 6
है, एक दो तीन चार पाँच छ। तो एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, इसको जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 11.5। तो व्हाट इज एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के? 11.5 × 6, 11 6 66, 66 plus 3 69। ठीक है, तो ये होगा 11.5 × 6 विच इज 69। बराबर, अभी इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, तो क्या मिल रहा है मेरे को? मेरे को मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के। कितना है वो? 66 प्लस 69, 120, 135। लेकिन इसमें एफ दो बार आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के कितना हुआ मेरा? ये कितना है? 132। तो एफ प्लस 132 यहाँ से इज 135, तो एफ कितना है मेरा? 3। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ एन एंगल बिजनेस 25 मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा? तो मुझे पता है 90 प्लस 25 प्लस, अगर इस एंगल को नाम दिया ए, प्लस ए इज 180। 90 प्लस 25 कितना है? 115 प्लस ए इज 180। तो ए कितना है? 180 माइनस 115 विच इज 65 डिग्रीज। ओके, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर।